आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज या तो तुम लोग रहोगे या मैं रहूंगा। अरे डायलॉग बाजी छोड़, कुछ भी बोलने से पहले उनकी और अपनी औकात तो देख ले। अरे उन लोग को देख के लगता है कि जैसे वो मटर शो की कसाई हो। ए, आके गाड़ी को धक्का दे। तू मुझे कमजोर समझ रहा है? जब तक मैं किसी एक का सर ना फोड़ दूं ना, यहाँ से जाने वाला नहीं। ए! अरे बाप रे, डिक्की में मरे हुए बकरे मटन शॉप के सामने घमंड दिखाएगा तो ऐसा ही होगा। जल्दी आओ, वो लोग आ रहे हैं। ए, चल चल चल। ये मत सोचना कि तू मुझसे भागकर यहाँ से निकल जाएगा। इस गांव की 100 पंचायत और 5 लाख के वोट सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, समझ गया? लंका पति के। मैं हूँ राम, सोलो सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कविता कृष्णमूर्ति। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है, अभी जॉब की तलाश में हूँ। मेरे पीछे जो बैठे हैं ना, यही हैं कृष्णमूर्ति, मेरे पिताजी। क्या हुआ, ऐसी सूरत क्यों बनाई है? कुछ नहीं हुआ, इधर दीजिए। चल जा। सरकार के अमिताभ बच्चन की तरह जो बैठी है ना, यही है कविता जी, मेरी माँ। इस कॉलोनी में मेरे मम्मी और पापा बहुत फेमस है, क्योंकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे मम्मी पापा के पास आते हैं। रुकिए, हम काम धंधा छोड़कर ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारी भी लव मैरिज हुई है, हमने भी भाग कर शादी की है। पहले तो हम प्रेमी थे, अब माँ बाप बन गए हैं। तब हमने क्या मिस किया अब समझ में आ रहा है। भाग कर शादी की भी हो तो भी वो लोग जरूर खुश रहेंगे, लेकिन फैमिली को मिस करेंगे। अगर माँ बाप इस चीज को समझेंगे तो पूरी फैमिली खुश रहेगी। आप लोग एक बार सोच लीजिए और इन लोगों की शादी करवा दीजिए। इमोशन तो टेम्पररी रहता है, लेकिन रिलेशन परमानेंट रहता है। सोच कर देखो। बिल्कुल सच है, आपने इतना खुलकर बताया, हम तो नहीं सोच पाते। जैसा चाहते हैं वैसा ही होता। क्या हुआ? ए, बोल ना यार। स्नेहा के पिता बाहर भी नहीं आने दे रहे उसे, और फोन पे बात भी नहीं करने दे रहे। क्यों, तुम्हारे प्यार के बारे में पता चल गया? पता चल गया, पता क्यों नहीं चलेगा? स्नेहा के पिता उसके लिए कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। एक बात मैं भी कह देता हूँ, स्नेहा अगर मुझे नहीं मिली ना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। ए, पागल जैसी बात मत कर। माँ, उस यादव से जाकर कल तुम बात कर लो। वैसे भी इसका है ही कौन हमारे अलावा। प्लीज डैडी। ठीक है कविता, कल बात करके आते हैं। ठीक है जी। क्यों भाई, अब तो खुश हो ना? हाथ जोड़कर नमस्ते करके मुस्कुराकर फोटो निकाला तो वो फोटो देखकर यादव अच्छा इंसान है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा ही सोचा था ना तूने? 100 में से 1 फोटो ऐसे खींच गया तो तू ऐसे सोचेगा? बाकी के 99 फोटो देखी होती तो तू ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। वैसे मैं तुझे पानी में नहीं डुबोना चाहता था,
भाई आपसे मिलने के लिए कोई आया है भाई? कोई आया है ये बताने के लिए मैं तुझे पगार देता हूँ क्या? नमस्ते यादव जी। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। आइए बैठिए। अरे इन लोगों के लिए छाछ लेकर आओ जल्दी। ठीक है भाई। हाँ तो बोलिए मैडम जी, कॉलोनी में कोई वाटर की प्रॉब्लम है? नहीं है सर। मच्छरों की प्रॉब्लम है? नहीं है। स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम? ना ना ऐसा कुछ नहीं। कुत्तों की प्रॉब्लम है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या ये बताइए। आपकी बेटी की शादी के बारे में बात करने आए हैं। ओ तो आप दूल्हे के माँ बाप है क्या? ऐसा ही सोच लीजिए, आपकी बेटी हमारे बेटे से प्यार करती है। बस कीजिए, मेरी बेटी की शादी कहाँ होगी ये मैं डिसाइड करूंगा। प्यार किया है तो अक्षत डालकर मेरे पैरों में झुककर आशीर्वाद लेगी और मैं उसे गले लगा लूंगा। ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैं भी एक औरत हूँ सर, कोई भी औरत दुखी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए कह रही हूँ। बड़ी बड़ी बातें तो मैं भी बोल सकता हूँ मैडम जी, लेकिन दिमाग होना चाहिए। कोई आके ऐसे ही कह देगा कि आपकी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है तो क्या मैं मान लूंगा? अगली बार मेरी बेटी की शादी के मामले में कोई भी टांग अड़ाई तो तुम्हारे पास आधार कार्ड है क्या? है सर। तो उसे मैं इस तरह फाड़ दूंगा। यादव को समझना बहुत मुश्किल है, वो नहीं सुनने वाला। संस्कार क्या है उसके गेट को भी नहीं पता। अब वो जल्दबाजी में अपनी बेटी के लिए दूसरा रिश्ता जरूर देखेगा। टाइम देखकर अगली बार जरूर कोशिश करेंगे। पर ये बात वाईके को कैसे बताऊं ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सब सुन लिया है। सुन बेटा, जाके उसे रोक, वरना वो कुछ ना कुछ करेगा। जा। क्यों बे, कहां तक भाग कर आया? मरने आया है क्या? अगर स्नेहा से मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं सच में मरने वाला हूँ। ए शट अप, पागल जैसी बात करता है। मेरा यकीन कर, सब वैसा ही होगा जैसा तू सोचता है। तेरी शादी स्नेहा से ही होगी। हे, मुझे एक गाड़ी चाहिए यार। ए भाई, जरा वेंकटेश को बुलाओ तो। सर बिजी हैं, अभी नहीं मिल सकते। एक बार जाके बोलो पीजी आया, वो खुद आ जाएंगे। सर म्यूजिक सीटिंग में बैठे हैं। म्यूजिक सीख रहा है? एक बात बताओ, उनको ये शौक कब से लगा? नहीं जी, सर तो फिल्म डायरेक्शन करने वाले हैं, आपको पता नहीं है, उसी के लिए म्यूजिक के सीटिंग में बैठे हैं। बाप रे, कट किया तो सर। ये एलो कार, हाँ, फ्री सर्विसिंग करा के सेट से बाहर आई। उसके सामने आ गई रेड कार। हाँ। फिर दोनों कारों ने एक दूसरे को देखा। रेड कार ने एलो कार को देखा। हाँ। और एलो कार ने रेड कार। हाँ। अरे वाह क्या बात है। एलो ने रेड कार को देखा, उसका इंजन गर्म हो गया। हाँ। और उसके इंजन से बस धुआं निकल गया। अरे वाह, फिर क्या हुआ? रेड कार ने हॉर्न बजाई। वाह वाह, बस उतने में ही एलो कार की, अब क्या हो गया? बोनट टूट गया बे। ओके ओके, यही कट होगा फिर सॉन्ग। सुपर सर, इस तरह का रोमांटिक सीन तो अभी तक इंडियन सिनेमा में आया ही नहीं है। यू आर सो क्रेजी। कैसेट है, सीडी है, पेन ड्राइव है? ये सीडी कैसेट पेन ड्राइव क्या बे? वही सर, अपने गाने का रेफरेंस किस चीज में लेकर आए हैं? रेफरेंस? हाँ। तो तू म्यूजिक नहीं बजाएगा क्या बे? ऐसा कुछ नहीं है सर, आजकल सारे डायरेक्टर को गाने का रेफरेंस देने की आदत है, तो मुझे भी ऐसी आदत लग गई है। वो लोग देते होंगे, मैंने दूंगा। मेरी फिल्म किस सिचुएशन में तुम्हें म्यूजिक बजाना ही होगा। ओके सर। हाँ, पीजी नाम का कोई आपका फ्रेंड आपसे मिलना चाहता है। आ रहा हूँ, तुम चलो। ठीक से बजाना, नहीं तो घुसेड़ दूंगा पूरा। बजाने के लिए आया तो चुपचाप बजा, चलो आता हूँ। क्यों वेंकटेश, कैसे हो? अबे दांत तोड़ दूंगा तेरा। अबे कड़की के जमाने में जब हम स्ट्रगल करते थे तब रूममेट्स थे, वो बात अलग है। आज मैं डायरेक्टर हूँ, वेंकटेश जी ऐसे बात किया कर। वेंकटेश जी, आप डायरेक्टर? कब से? एक कहानी सुनाइए। ओके हो गई तो अगले महीने से शूटिंग शुरू। कौन सी कहानी सुनाया? कार की लव स्टोरी। कार की लव स्टोरी? अबे तुमने मक्खी पे फिल्म देखी है ना, जब उस पे बन सकती है तो कार पे क्यों नहीं? हाथी पे फिल्म बनी, घोड़े पे बनी, कुत्ते पे बनी, सांप पे फिल्म बनी, जिन्होंने बनाई वो बेवकूफ थे। तो सुन, कार पे नहीं बन सकती क्या? आखिर तुझे प्रॉब्लम क्या यार? सिनेमा के बारे में समझता तो है नहीं, बस बात करता रहता है। ये बात नहीं है वेंकटेश जी। तो फिर क्या बात है? वेंकटेश जी, हमें ना एक कार चाहिए थी। कार? हाँ। सुपर, कौन सी फिल्म के लिए? मेरा दोस्त शॉर्ट फिल्म बना रहा है, उसके लिए चाहिए थी। शॉर्ट आदमी है, शॉर्ट फिल्म ही बनाएगा। हाँ बोलो, कौन सी कार चाहिए? वो कार अच्छी। अपने घर में बालकृष्ण साहब आए हैं, जाकर भाई को बोलो। हाँ,
भाई अपने घर में बालकृष्णा साहब आए भाई। ये हमारे घर में क्यों आ रहा है? बालकृष्ण अपने घर क्यों आएंगे साहब? लेजेंड फिल्म में ये कार यूज की थी ना, इसीलिए लग रहा है कि वही आए हैं। अच्छा ऐसा है? हैं। अब इसके साथ ये सब कौन है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, कौन है आप लोग? मैं भागो कंपनी से आया हूँ सर। भागो कंपनी? हाँ सर, भागो, और मैं उस कंपनी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। तो? और ये मेरा स्टाफ है सर। अच्छा तो आपको बहुत बार टीवी पर दिखा है। सर आपके कॉर्पोरेटर बनने के बाद दिन में भी लाइट जल रही है। इनको ये लग रहा है कि ये सब तारीफ कर रहे हैं। May I help you? हमारी कंपनी के सीसीटीवी कैमरे का मार्केटिंग करने आया हूँ सर। सीसी कैमरा लेकर मैं क्या करूँ? आपके पास तो होना ही चाहिए, आपके जैसे बिजी लोगों के पास तो होना ही चाहिए। वैसे भी आप जनता के सेवक हैं, हर पल हर मिनट कहाँ क्या हो रहा है इसका आपको पता होना ही चाहिए। आज के जमाने में अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मेरी तरफ इशारा है क्या? आप बस ये कह दीजिए आपको कैसे यूज करना है। ओके, बोल दिया है, कैसे काम करता है बताओ। ये आपका बेडरूम है ना सर? हाँ यही बेडरूम है, मेरी बीवी इसमें दिखाई दे रही है। और ये आपकी बेटी का बेडरूम? हाँ ये मेरी बेटी का बेडरूम है। ये हॉल है और ये वाला किचन है। ओह हाँ मेरा किचन। और ये यहाँ का एरिया है सर। ओह हो हो, इसमें तो मैं खुद ही दिखाई दे रहा हूँ। अब ये कैमरा कहाँ लगा है? वो वहाँ सर। कौन से रूम में क्या हो रहा है आपको इस आईपैड पर पता चल जाएगा सर। अपने घर में इतने लोग हैं तो फिर कैमरे की क्या जरूरत है सर? आपका घर में रहना जरूरी नहीं है, आप कहीं बाहर भी रहो ना तो भी आप इस आईपैड में देख सकते हो कि कहाँ क्या हो रहा है। ये मेरे ही पेट पे लात मार रहे हैं। अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल आप 100 मीटर दूर से ये देख सकते हैं कि आपके घर में कौन क्या कर रहा है। आप ओके बोलिए, मैं आपको अभी डेमो दिखाता हूँ। चलो वो डेमो जल्दी दिखाओ। ठीक है सर। अरे वाह रे वाह वाह वाह, ये तो मेरा घर है। इतनी दूर मैं यहाँ इस होटल में बैठा हुआ हूँ और मेरा घर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। बेडरूम बाथरूम सब कुछ देख सकता हूँ। बॉयज यादव भाई सीसीटीवी कैमरा डेमो देखने के लिए गए हैं। आप लोगों में से किस किस को एक्टिंग आती है? सर सभी डेमो देखेंगे। हाँ डेमो देखेंगे। नो एक्सप्रेशन, डाउट हो जाएगा। वो सब लोग हमारा बाहर वेट कर रहे हैं, अभी मैं तुम्हारे साथ किडनैप की एक्टिंग करता हूँ। चलो। जरा बुड्ढी को तो देखो, ये किडनैपिंग नहीं है, ये तो सिर्फ एक डेमो है, डुप्लीकेट है। वो मेरी पोती को लेकर जा रहा है, उसे लेकर आओ। वो सब झूठ है दादी, ये तो एक्टिंग है, आप चुप रहिए ना। अरे एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं, वो लोग एक्टिंग के नाम पे गड़बड़ करने वाले हैं, पहले उन लोगों को रोको। अरे आपको कुछ पता नहीं है तो चुपचाप बैठिए ना। अरे अरे मेरी बात, अरे सुन तो। भाई कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे एकदम मस्त, कंटिन्यू कर। भाई मुझे मारो भाई। अरे बढ़िया 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 बढ़िया, मस्त किया मस्त किया। भाई 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 मुझे भी मारो ना, इसे भी मारो ना, मारने के सच में मार। अरे वाह क्या बात है, देखो ये मेरे आदमियों को कितने आसानी से मार रहा है। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, हो क्या रहा है? वाह मेरी बेटी अब कार में बैठ रही है। देखे ना सर, हमारे सीसीटीवी कैमरे की वजह से आपके घर में क्या हो रहा है सब पता चल रहा है। सुपर। अब सुनो, ये सीसीटीवी कैमरा हमारे पूरे घर में लगा दो, हमारे हॉल में लगा दो, हमारे बेडरूम में लगा दो, हमारे किचन में लगा दो, यहाँ तक कि ये कैमरा हमारे टॉयलेट बाथरूम में भी लगा दो। मेरा काम हो गया सर। बहुत बढ़िया, मेरे कैमरे तैयार करके फिट कर देना, मेरा पीए तुम्हें एडवांस दे देगा। मुझे तुम्हारा ये डेमो बहुत पसंद आया। ठीक है। तुम जैसों पर भरोसा करने से ज्यादा अच्छा ये है कि मैं ये सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवा लूं। सर मुझे सब कुछ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? उन लोगों ने मिलकर आपको बेवकूफ बनाया है सर। उन सब लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे बेवकूफ बना के उन्हें क्या मिलेगा? हाँ सर, स्नेहा मैम को किडनैप करके आपको आईपैड में दिखा दिया। वो स्नेहा को किडनैप क्यों करेंगे? ये सब तो डुप्लीकेट था ना? नहीं सर, ओरिजिनल था, सच में उठा के ले गए। जानू क्यों खामोश बैठी हो? मैं सब संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी बात? हाँ क्या हुआ, टेंशन क्यों ले रहा है? नहीं अब टेंशन नहीं ले रहा हूँ। अरे आप तो खुश है ना? हाँ भाई। क्या बात है स्नेहा, तुम कुछ नाराज हो क्या? कुछ नहीं, डैडी क्या फील करते होंगे ये मैं सोच रही हूँ। अब उन्हें कुछ भी फील होने दो, उन्होंने तुम्हें बंद करके रखा था। डैडी के बारे में कुछ मत बोलना, मैं चली जाऊंगी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ओह ससुर जी ठीक है ना? हे प्लीज यार झगड़ा मत करो। अच्छा अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, प्लान क्या है, आगे क्या करने का सोचा है? तिरुपति जाएंगे।
तुझसे पूछा क्या? ऐसा नहीं है यार, मैं अपनी शादी के लिए कनका देवी से मन्नत मांगी थी, इसीलिए विजयवाड़ा जा रहे हैं। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। तो फिर गाड़ी क्यों रोका? मैंने बोला ना कोई बात नहीं है। क्यों यार, क्या हुआ? तुम लोग विजयवाड़ा जाने के बारे में सोच रहे हो ना, चले जाओ, मैं नहीं आने वाला। हुआ क्या? विजयवाड़ा मुझे पसंद नहीं है। क्या हुआ उसे? बॉस लिफ्ट। वो क्यों नहीं आ रहा? चलो बात करके देखते हैं। ए राम, प्लीज यार, तुम्हारे बिना हम कैसे जाएंगे? हमारी शादी होने तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। एक बात बता, हम लोग तुम्हारे बिना रिस्क नहीं ले सकते। हाँ। अगर तुम इन्हें ऐसे छोड़ दोगे तो इनका क्या होगा? देख भाई, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, सीधा मंदिर से वापस आएंगे। हाँ। प्लीज राम, ऐसा मोमेंट फिर नहीं आएगा। अब ज्यादा सोच मत राम, चल ना। क्या हुआ, कुछ लवशव का मामला है क्या? सर्टिफिकेट्स हैं, किसी रामा राव के हैं, यहाँ भूल गया लगता है। हाँ मैं समझ गई, इसे पहुँचाने तक तुम्हें नींद नहीं आएगी। किसी की लाइफ का सवाल है यार, इसे यहाँ ही छोड़ दूँ क्या? कितना परेशान हो रहा होगा। पता है, गुम हुए कुत्ते के बच्चे को उसके माँ तक पहुँचाने के लिए हमारी जान ले ली तूने, अब इसे छोड़ेगी क्या? फिर से ट्राई करती हूँ। ओके चल चल। हेलो जी, इस नंबर से मिस कॉल आया था। हाँ मैंने ही किया था, वृंदावन कॉलोनी के बस स्टॉप पर मुझे आपके सर्टिफिकेट्स मिले हैं, उसी को लौटाने के लिए आपको कॉल कर रही थी। हाँ रे हाँ, भूल गया था, सॉरी यहाँ फोन को नहीं देखा मैंने। आप कहाँ हो बताइए, मैं आकर ले लूँगा। अरे मैं इतनी देर इंतजार करते करते अब घर लौट रही हूँ, इफ यू डोंट माइंड मैं कल कॉल करूँ तुम्हें। ओके ओके थैंक यू। ओके आ, आ,
ऐसे क्या देख रहे हो? खुश हो ना? किस लिए जी? मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना, दीवार पर, सीलिंग पर, खुश हो ना? लेकिन मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारी वजह से। मेरा ड्रेस देखा कितना गंदा हो गया था, ऐसे क्या देख रहे हो? अब चुपचाप वॉश करके दे दो। हेलो, आज आप अपना सर्टिफिकेट्स लेने आने वाले थे ना? जी मैं अपने काम के लिए थोड़ा बाहर हूँ, आधे घंटे में आकर ले लूंगा। अच्छा, थोड़ी जल्दी नहीं आ सकते क्या? देखिए, मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए आया हूँ, सो काम होते ही मैं आके ले लूंगा। हा? वो क्या है ना, 10 मिनट में मेरी बस आने वाली है, मुझे जाना है। ओके ओके, चलेगा, यू कैरी ऑन। तो फिर मैं इवनिंग को फोन करके सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लूंगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बाय। ओके, ये बस नहीं तो दूसरी बस। हेलो, क्या रे कहाँ है? बस स्टॉप पर हूँ। बस स्टॉप पे? हाँ। क्या हुआ भाई, तू यहाँ क्यों है? वेट कर रहा हूँ। किसका? कल जी से देखा था उसका? ए, तू पागल है क्या? तुझे कोई देखेगा तो सोचेगा घर से भगाया हुआ है। इतना फील मत कर यार, तूने तो मुझे नहीं निकाला ना। तुझे किसने कहा ऐसे बस स्टॉप में वेट करने के लिए? तुझे क्या लगता है तू इस दुनिया का बेस्ट लवर है? क्या यार, चल ना तू भी। मैं जिस पल यहाँ नहीं रहूंगा ना, हो सकता है उस पल वो यहाँ से निकल जाएगी, इसलिए डर लग रहा है। प्यार से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती है भाई, एक बार लग जाना तो दिमाग खराब कर देती है। तुझे पक्का यकीन है वो इसी रास्ते से आएगी? पक्का। ए, कुछ खाया है? मैंने? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू एक काम कर, चला जा। हेलो। तुमने कहा था शाम को आकर सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर लूंगा। अरे सॉरी, मैं भूल गया था, कल आकर ले लूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हो? सुबह कहते हो शाम को आऊंगा, शाम को कहते हो सुबह आऊंगा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? वैसे भी तुम कोई बड़ा पत्थर उठाकर नहीं ला रही हो जो इतना फील कर रही हो। सिर्फ 4 पेपर ही तो है ना, असल में तुम्हें वहाँ से सर्टिफिकेट्स किसने उठाने को कहा था? वही छोड़ देती तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होती। काम धंधा नहीं है क्या, ऐसे बार बार फोन पर फोन किए जा रही हो? तुम्हें तुम्हारे सर्टिफिकेट्स की बिल्कुल भी कद्र नहीं है। बेचारा कोई भूल गया है ये सोचकर मैंने उठा लिया। क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता है, इसलिए अब तक संभाल कर रखा है। पर अब तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि मुझे उस दिन उन्हें उठाना ही नहीं चाहिए था। ओ, ये लड़कियों के टैंट्रम से बचो। क्या हुआ? सर्टिफिकेट देने के लिए फोन किया तो तुम्हें उन्हें वहाँ से किसने उठाने को कहा, ऐसी बातें कर रहा है? तो मुझे दे दे, मैं अभी उसे खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। मैं जहाँ से लेकर आई हूँ उन्हें वहीं रख कर आती हूँ, चल यही ठीक रहेगा। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? वो कौन है? जिसने फुटबॉल से मेरी ड्रेस खराब की थी ना, यही है वो। लगता है इसका घर बार नहीं है, कुंडामा वाली कहीं का। हमें उससे डरने की क्या जरूरत है, चल फाइल वहाँ फेंक कर आते हैं। इसे ना देखकर ही मुझे गुस्सा आ जाता है। पता है इसने मुझे उस दिन सॉरी भी नहीं कहा। मुझे तो लगता है कि इसने पी हुई है। चल निकलते हैं।
अरे बाप रे, सुबह होने से पहले ही बस स्टॉप के लिए निकल गया क्या? क्या हुआ पीजी, ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ माँ। क्यों इतने सुबह सुबह फोन किया? तू भी उसके साथ रूम में रहता है ना, तुझे तो समझाना चाहिए था। आप ऐसा डांटेंगे इसलिए फोन किया? तो क्या मेरे बेटे को सिगरेट या दारू की आदत लगी है? ऐसी कोई बात नहीं माँ, वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया है। वो लड़की कैसी है? मैंने अब तक नहीं देखा माँ। अरे मैंने क्या, आपका बेटा भी दूसरी बार नहीं देखा है। उस लड़की को देखने के लिए बस स्टॉप पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए फोन किया। हाँ हाँ, उसकी उम्र भी तो ऐसी है। ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ, अब रखती हूँ। मुसीबत ही बन गया है, क्यों उठाया उस दिन इसे? मैं इसे देखना भी नहीं चाहती हूँ। ओ गॉड, कहाँ छिपाऊँ इसे कि ये मुझे नजर भी ना आए? इसे डस्टबिन में डाल देती हूँ, यही सबसे बेस्ट जगह है इसके लिए। हेलो जी, तुम ठीक हो ना? हा? क्या बात है, सुबह सुबह इतना हंस के बात कर रहा है, कहीं पी तो नहीं हुई है इसने? हेलो सुनो ना,
तुमसे एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करनी है। क्या बात है? आपने जब मुझे फोन किया और मैं नहीं मिला, इन दोनों की सिर्फ एक ही वजह है, पता है तुम्हें? क्यों नहीं पता? तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से। नहीं पता, बताओ ना। एक ब्यूटीफुल लड़की को सडनली मैंने देख लिया। उस लड़की को बाद में मैंने इतना ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिली ही नहीं वो। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि आज उस लड़की को मैंने वापस देखा। यू नो, मैं उस लड़की के पीछे मैं पागल हूँ। आई थिंक आई लव हर। ये फीलिंग अचानक मैं किससे शेयर करूं ये समझ में नहीं आया, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हारा मूड ठीक रहता है तो तुम हंसकर बात करते हो, मूड ठीक ना हो तो डांटते हो। यहाँ मेरे इमोशंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, है ना? वो क्या? ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है पता है तुम्हें? एटलीस्ट इस बार रेलवे स्टेशन पर आकर अपनी फाइल ले। नहीं तो इसके बाद मैं कॉल नहीं करूंगी। और तुम्हें तुम्हारे सर्टिफिकेट्स कभी नहीं मिलेंगे। मम्मी, ये आखिरी चांस दे रही हूं उसे। बाय। चले चल। ये सीट मेरी है। ओ, गुरुजी। बेटा लंका। गुरुजी बोलिए। माँ के दर्शन अच्छे से हुए ना? हाँ, बहुत अच्छे से हुए गुरुजी। और जैसा कि आपने कहा था, हमने तिरुपति के भी दर्शन कर लिए हैं। अभी कहाँ हो बेटा? मैं ट्रेन में हूँ गुरुजी, अभी ट्रेन निकली है। ट्रेन निकली है तो तुम ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के नीचे रहोगे। राहु काल में यात्रा करना अशुभ है। जहाँ हो वहीं के वहीं रुक जाओ। हम लोग तो रुके हुए हैं, ट्रेन जा रही है। तो ट्रेन को भी रुकवा दो बेटा। ए, चेन खींच। हाँ। हाँ, अरे चोर कहीं के, यहाँ पे निकालती हूँ, मेरी चेन खुल जाता है। हाँ, देख। गुरुजी, हाँ? अभी तो मुहूर्त बहुत अच्छा है, हाँ? लेकिन राहु काल कहकर आपने उससे ऐसा क्यों करवाया? पागल। हाँ? भविष्य के बारे में सिर्फ सुनने वाले ही होते हैं, उससे हमें तो कोई फायदा नहीं है। भविष्य को जो मानने वाले होते हैं वो है लंका जैसे। ओ, उन लोगों को जितना उलझा रखोगे हमारे लिए उतना ही अच्छा। अगर हम अच्छे से जीना चाहते हैं तो सामने वाले को टेंशन देकर अपने झांसे में फंसा के रखो। हाँ? जब उन लोगों के अंदर डर पैदा होगा तो हमारे प्रति विश्वास। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। दाया हाथ पकड़ो। हाँ ठीक है। क्या हुआ यहाँ, चैन किसने खींचा? मैंने। क्यों खींचा? वो क्या है ना, राहु काल चल रहा है तो आधे घंटे के बाद ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। तुम लोग सब एक साथ हो क्या? जी सर। एक काम करो, तुम लोग सब मिलके ट्रेन को अपने घर लेके जाओ, जब दिल करे तो घूमो, नहीं तो इसे अपने घर के अंदर ही ताला लगा के रख देना। ए, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तू किससे बात कर रहा है ये तुझे पता? तुम लोग दिखने में ही सड़क छाप गुंडे लग रहे हो। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, बिना वजह चैन खींचने के जुर्म में 1000 रुपए फाइन भरो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। ए, इन सड़क छाप को बाहर निकालो। तुझे लगता है मैं सड़क छाप टपोरी हूँ, लेकिन तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ तेरा बाप लंका पते। पानी की बोतल ले। मुझे उस लड़की के अलावा कुछ और दिखना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो रे।
जी बोलिए। असल में बात क्या है ना इंस्पेक्टर, रेलवे स्टेशन पर एक चोर मेरा बैग लेकर भाग गया, इसलिए कंप्लेंट लेकर आने आई हूँ। कहाँ है? हेलो, एग्जैक्टली तुमने जहाँ पर कहा था वहीं पे हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? तुमने तो रेलवे स्टेशन कहा था ना मुझे। वो आधा घंटे पहले ना एक चोर मेरा बैग लेकर भाग गया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने आई हूँ। तो मेरे सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं? सर्टिफिकेट्स भी उसी में थे। ओहो, तो अब क्या करना है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, पहले ले लेते तो ऐसा नहीं होता। प्लीज हाँ, अकड़ो मत। ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? पुलिस स्टेशन में ही हूँ। और तुम? मैं भी तो पुलिस स्टेशन में ही हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? ये यहाँ क्या कर रहा है? जरूर कोई क्राइम किया होगा। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कॉरिडोर में हूँ। मैं भी कॉरिडोर में हूँ। गॉड, यार वो एक ही है। ओह माय लक, गॉड मस्ट बी क्रेजी। जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे ढूंढ रही है, क्या बात है। कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुम्हें जान नहीं सका, मेरी जान। तुम ही रामा राव हो? हाँ। तुम्हारी ही फाइल है वो? ओ या। तुम्हें फुटबॉल खेलने आता है या सिर्फ लात मारने आता है? लात की वजह से ही तो तुम मुझे मिली। अरे एक्चुअली ना उस दिन वो एक्सीडेंटली हो गया था। लेकिन तुमने सॉरी कहा क्या? सॉरी नहीं, आई लव यू बोलूंगा। तुम्हें सर्टिफिकेट्स की जरा भी वैल्यू नहीं है। फाइल वहाँ बस स्टॉप पर बारिश में भीग रही थी तो मैंने उठा लिया, और जब तुम्हें फोन किया तो मैंने क्यों उठाया कहकर मुझे डांटने लग गए। गुस्सा मत हो शोना, मैंने बोला था ना एक लड़की के लिए वेट कर रहा था। पागलों जैसे मैंने तुम्हारे लिए वेट किया, तुम्हारी वजह से फाइल के साथ मेरा बैग भी चला गया। अरे गया तो गया, मैं दूसरा खरीद के दे दूंगा, तुम वरी मत हो ना, तुम्हारा बैग तुम्हें जरूर मिल जाएगा। सिंपैथी दिखा रहे हो क्या? मेरी फ्रेंड बिल्कुल सही कह रही थी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन मुझे ही मदर टेरेसा बनने का शौक था, मेरे साथ तो ऐसा होना ही था। मैडम यहाँ पे साइन कर दीजिए। अभी आती हूँ सर, बैग पाने के लिए मैं एक क्या हजार साइन कर लूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से, बैग मिलते ही तुम्हें फोन कर लूंगी। ओके। तुझे पता है तूने क्या किया? पता नहीं है भाई। ये ले।
भाई भाई मैं जा रहा हूँ भाई। तू कहाँ जा रहा है? बैठ बैठ। बेटा लंका, एक लड़की की डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ, उसकी कुंडली निकाल कर मुझे बताइए। किसी लड़की की कुंडली से अब तुझे क्या मतलब होने लग गया बेटा? सुनिए गुरुजी, ये लड़की का अलग मामला है, कुंडली मैच हो रही है कि नहीं बताइए, मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ। ओहो, ऐसा है तो डेट ऑफ बर्थ बताओ जरा। 4th December 1994। 4th December 1994 डालो। गुरुजी, उसकी कुंडली राक्षसों जैसी है, इस लड़की की कुंडली देवी जैसी है, अगर इसने उससे शादी की ना तो इसकी दुर्दशा हो जाएगी, उसे बता दीजिए। बोल दूंगा, मेरे मरने के बाद में उसे तुझे भी मारने के लिए बोल ये दूंगा। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? तुझ जैसे बेकल आदमी का मरना ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बता दीजिए, मैं जीने का रास्ता निकाल लूंगा। देख बात सुन, जैसा है अगर उसे वैसा बताया तो वो अपने ऊपर फोकस नहीं करेगा। अब देख मैं कैसे मैनेज करता हूँ। बेटा अलंका, गुरुजी अद्भुत है, जादू है, अगर तूने इस लड़की से शादी की तो तुझे अपार धन मिलेगा और राजनीति में तेरा कद और ऊंचा हो जाएगा। गुरुजी, हाँ, आपको डबल बेडरूम गिफ्ट कर रहा हूँ, आज ही शिफ्टिंग कर लीजिए। लगेज पूरी तरह से तैयार है, बस तू एक बार ओके बोल दे, मैं रेडी रेडी हूँ। हेलो, मैं लंकापति बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है आपको? कल जो बैग तुम्हारा खो गया वो मेरे पास है। यू स्टूपिड, चोर कहीं के मेरा बैग चोरी करते हो? चोर कहीं के? बैग में सब कुछ है या सब कुछ निकाल दिया? अगर कुछ भी मिस हुआ ना तो मार दूंगी ये तुम्हें। मैंने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट कर दी है, चुपचाप बैग दे दो नहीं तो। अरे सुनो, मैं चोर नहीं हूँ, चोर को तो मैंने पकड़ के रखा है। अरे दे, सॉरी सर, ये सब आपको पहले बताना चाहिए था ना। थैंक यू सर। वैसे आना कहाँ है? आपको सिटी मार्केट पता है ना? हाँ? बस वहीं आ जाइए। ओके सर, मैं भी पहुँचती हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानूंगी कैसे? जरूरत नहीं है, मैं आपको पहचान लूंगा, आप बस आ जाइए। ओके, थैंक यू सर। हे जी भाई, गजब की लड़की है, जरा ध्यान रखना। ठीक है भाई। वो इधर ही आ रही है। ठीक है। राम, मेरा बैग मिल गया। वाओ, सुपर, कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। तुम्हें हाईवे के पास जो सिटी मार्केट है वो पता है ना? तुम वहाँ पहुँच जाओ। सी यू देयर। ओह थैंक गॉड, अब उस सर्टिफिकेट से पीछा छूट जाएगा। थैंक यू बाबा। ए ए, हाँ, फोन आया। फाइल लेने से पहले उस लड़की को मैं आई लव यू तो बोल ही दूंगा। जा, जो मनाए वो कर। भाई, एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज कम। लंकापति, मैं हूँ। नमस्ते, ये बैग मेरा ही है, ये लीजिए। आई एम सॉरी, मैंने फोन पर आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, यही है वो चोर। हाँ यही है चोर कहीं का, शर्म नहीं आती तुम्हें? बदमाश। hey. Thank you so much. पुलिस ढूंढती तो अब तक नहीं मिल पाता ये बैग। Thank you. ये बताइए, आपको ये चोर कहाँ मिला? जब आपका बैग लेकर ये भाग रहा था तब मेरे आदमियों ने इसे देख लिया। ओह, मैं बहुत लकी हूँ। आपसे शादी करने वाला और भी लकी होगा। थैंक यू। मतलब मैं लकी हूँ? हाँ? हम दोनों की कुंडली परफेक्ट मैच हुई है। चल मेरे गांव। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। I'm very sorry. अब मैं जाती हूँ। छोड़ो। मेरे गुरुजी जो कहते हैं वो अच्छे के लिए कहते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। मैं कहता हूँ कट।
तू अपनी मर्जी से नहीं आई तो मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा। मेरी बात समझ। चलो ने, चलो। मेरे बैग। बैग छोड़ो। कौन है वो? कौन था? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी आओ। कहाँ गया वो? गायब हो गया भाई वो। क्या किसी ने उसका चेहरा देखा था? उसने हमारी आंखों में मिर्ची डाल दिया था भाई, हम लोग उसे नहीं देख पाए हैं। दर्द बच गया। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम निरृतय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम वायवे स्वाहा। यजमान उठकर फेरा लीजिए, लड़की का हाथ पकड़कर आगे आगे चलिए। इंद्राम ब्रह्मासाम निरहसा ज्वलन देम श्रियं लोक देवजुष्टा मुदारा। आई लव यू। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैंने तुमसे आई लव यू कहा, ये सेकंड टाइम कह रहा हूँ। सेकंड टाइम? तो फिर फर्स्ट टाइम कब कहा था? फोन पर। एक लड़की का मैं वेट कर रहा था, उस लड़की के लिए मैं पागल हूँ। उससे मिलने के लिए ही मैंने तुम्हारा फोन इग्नोर किया था। वो लड़की कौन है पता है? कौन है? एक दिन मैं ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहा था, बॉल गोल मिस होकर बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की को लग गई थी। तभी उस लड़की ने मुझे देखा और उस समय मेरा गोल हो गया। और क्या बोलूं। कारे बदरा को देखते हुए जू जगने लगे दिल में सोए अरमां, मिट्टी की खुशबू सौंधी सौंधी बारिश को बुलाए झूम के आ, ये बंधन पुरातन है संबंध सनातन है।
का शुभ विवाह। तो लगा तुम बहुत शांत लड़की होगी, लेकिन तुम भी बहुत शरारती हो। ए, ए, सुनो ना, श्रावणी, I love you, I love you too। राम, हाँ, मेरा बैग तो उसी के पास रह गया। वो दे देगा, नहीं तो हम ले लेंगे। कैसे? टाइम, टाइम आने पर तुम्हारा बैग तुम्हारे पास चल कर आएगा। हाँ, उसी का है। मुझे देना। हेलो, कौन बोल रहा है? ए, आंखों में जलन कम हुई क्या? ए, हिम्मत है तो सामने आना। ओहो, सॉरी शोना, भागते भागते बहुत दूर आ गए हैं। नेक्स्ट टाइम तुम जहाँ कहोगे वहाँ मिलते हैं, ओके? फोन उसे दे। उसके साथ इज्जत से बात नहीं करेगा ना तो मिर्ची तेरे आंखों में नहीं ऐसी जगह डालूंगा ना कि तू जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। कौन है बे तू? श्रावणी का बॉयफ्रेंड है। 4 दिनों में हम दोनों की शादी है। तू एक काम कर, तू अब फोन मत कर। हेलो, हम दोनों की शादी होने वाली है, वो भी 4 दिनों में। वो क्या है ना कि ऐसे ही बोल दिया था। जरा तुम्हारा पिन देना। पर क्यों? पिन दो ना। हो गया। अब वो फोन नहीं करेगा। अच्छा, इस सिम का एड्रेस प्रूफ किसका दिया था? मेरा नहीं दिया था, किसी और का है। किसी और का? नहीं चलेगा सर, ये मेरा रूल नहीं है, गवर्नमेंट का रूल है। एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटो नहीं होगा तो सिम कार्ड नहीं दे सकते सर। ये लो आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ ओके, एड्रेस प्रूफ कहाँ है, फोटो कहाँ है? एड्रेस नहीं है, फोटो है मेरे पास, ये देखो। भगवान जी, अरे साईं बाबा या किसी भगवान की फोटो नहीं चाहिए, तुम्हारी फोटो चाहिए। यहीं पास में स्टूडियो है, जाके फोटो खिंचवा के आ जा। हेलो मैडम जी। हेलो, हाउ आर यू? सिम कार्ड चाहिए था, आईडी प्रूफ और फोटो है, लेकिन एड्रेस प्रूफ नहीं है। सर, इनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं। दुकान का मालिक कौन? आप हो। एड्रेस प्रूफ कौन लेगा? आप। तुझे क्या करना चाहिए? जीरोस करना चाहिए। क्यों खड़ा, चल जा। नो प्रॉब्लम मैडम जी, एड्रेस प्रूफ मैं दे दूंगा। प्लीज ये एप्लीकेशन भर दीजिए। ओह श्योर। भाई मुझे भी एड्रेस प्रूफ देके सिम कार्ड दे दो ना। तुझे क्यों दूबे? अभी से दिया ना। वो लड़की है, अपना चेहरा देख गधे की तरह। समझ गया भाई तुम लोगों का सर्विस। बाहर बोर्ड पे ओनली फॉर लेडीज लिख दो, मैं क्या सब समझ जाएंगे। अबे मेरी दुकान है, मैं जो चाहे वो करूँ, दुकान होता है, चल भाई यहाँ से। सॉरी मैडम, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। नंबर लिख लूंगा। थैंक यू। यस, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो लाए हैं क्या? ये लड़की कहाँ है? टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, आपको रिचार्ज चाहिए या सिम कार्ड बताइए, वरना दुकान खाली कीजिए। इस लड़की ने इसी दुकान से सिम लिया है। धमकी दे रहे हैं क्या? ऐसे थोड़ी होता है सर। मैं बताता हूँ सर। हाँ? बोलो। इस लड़की ने जब सिम लिया था तो एड्रेस प्रूफ सर ने दिया था। हाँ दिया तो ये कोई तोप है क्या की बता रहा है? ये है ना, सिर्फ इसी लड़की को नहीं, बहुत सारी लड़कियों को अपना एड्रेस प्रूफ दिया है, और उन लड़कियों को ये फोन करके परेशान करता है, और इस लड़की को भी फोन करके परेशान करेगा। देवी को सताएगा तू? तुम है? चल उसका असली पता बता। सर मैंने ट्राई किया था सर, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ है सर।
वो लड़की यही कहीं कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रही है, बस इतना ही पता है सर मुझे। चल इसे गाड़ी में डाल। सच बोलो सर, मुझे और ज्यादा पता नहीं सर। लड़की को एड्रेस प्रूफ मत दो, बोला था ना। तेरी तो अब मजा आ रहा है ना। हे, क्या वो यहीं आती है? नहीं पता सर, यही किसी इंस्टीट्यूशन में है सर। वो सर मैं जाऊं क्या? तू जाएगा, बहुत जल्द जाएगा। एक बार लड़की मिल जाए फिर छोड़ दूंगा। लड़की के मिलने तक मैं यही रहूंगा क्या? तूने खुद ही एड्रेस प्रूफ दिया था ना। ए सुन, इसे कहीं देखा है क्या तूने? नहीं पता सर। इसे देखा है कहीं? नहीं देखा सर। इसे देखो। मैंने तो नहीं देखा। नहीं तो देखा होगा। मुझे नहीं पता। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नो आइडिया, पता नहीं। इस लड़की को इस एरिया में देखा है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। ये लड़की यहाँ पर आती है क्या? यहाँ बहुत इंस्टीट्यूट है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। इस लड़के को कहीं देखा है? ये लड़की सर 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 सर, ये लड़की कहाँ है मुझे पता है। इसी स्ट्रीट में बाजू वाली बिल्डिंग में रहती है, मुझे पता है पक्का सर। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। चलिए ना सर, चलिए। तू उस लड़की को कैसे जानता है? लवर सर, बुक लवर्स नाम का वहाँ पर एक बुक स्टॉल है, वहाँ पर वो लड़की आती रहती है। आप यू टर्न ले लीजिए ना सर। वैसे आप उस लड़की को कैसे जानते हैं? भाई लवर है, शादी करना चाहते हैं उससे। ए, इसमें हंस क्या रहा है? सर ये बात आप हर किसी को मत बताना, मुंह से नहीं हंसेगा। मुझे पता है सर किससे हंसते हैं। बहुत बोल रहा है। शादी करने वाले लड़की का एड्रेस ढूंढ रहे हो सर, पागल हो गए हो क्या? फोन करोगे तो काम हो जाएगा। चुप नहीं बैठ सकता क्या? सर 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 सर, यहाँ रुकिए सर। हाँ सर, उतरिए ना। यही बिल्डिंग है सर जो मैंने आपको बताई थी, आप जाइए ना, लड़की अंदर ही होगी। मैं भी आता हूँ सर। तू क्यों आएगा, यही रुक। थैंक्स ब्रो, टाइम पे आके बचा लिया। अरे क्या हुआ? चर्बी चढ़ी थी मुझे, एक लड़की को मैंने अपना एड्रेस प्रूफ दे दिया, अब ये लोग मुझे सता रहे हैं। तो वो तुम ही हो क्या ब्रो? ब्रो जरा वो बैग मुझे देना। नहीं ब्रो, उनके बारे में तुम्हें नहीं पता। बहुत मारेंगे वो। मुझे मारेंगे ना ब्रो, वो बैग दो ना ब्रो। अब तुम्हारी मर्जी। थैंक यू ब्रो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी चले जाओ ब्रो। आपका एड्रेस नहीं पता, मेरी दुकान जानते हैं, मुझे रहना पड़ेगा, तुम चले जाओ। ऑल द बेस्ट। तुमको भी ऑल द बेस्ट। ये क्या है सर? लॉक। निकाल दीजिए। आप फाइन भर दोगे तो हम निकाल देंगे। ओके। वो किधर गया? सभी मेरे जैसे अच्छे नहीं होते भाई, आपको धोखा देके चला गया। गोविंदा, गोविंदा। लड़की के पीछे मत आना कहा था, तब भी नहीं सुना। ऊपर से तूने मुझसे चैलेंज किया, दम है तो मेरे सामने खड़ा होकर दिखा। सिर्फ खड़ा ही नहीं, तेरी गाड़ी में तेरे पीछे बैठकर मैंने ट्रैवल भी किया। लेकिन तू कुछ नहीं उखाड़ सका। तेरी गाड़ी नो पार्किंग में लगवा कर गलत एड्रेस बता दी। वो लड़की उस बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि पहले जिस बिल्डिंग में मिले थे ना उसी बिल्डिंग में है, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो मेरे साथ है। ओ, और एक इम्पोर्टेंट बात, वो बैग संभाल के रखने के लिए दिल से थैंक यू यार। वो बैग भी ले गया सर। ये देख, इस बार बिना मिर्चा पाउडर डाले आया हूँ, लेकिन जलन कुछ ज्यादा ही हुई होगी। जरा तेरा फेस टर्न तो कर। बाय डार्लिंग। गाड़ी चालू कर। भाई 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 भाई, पुलिस ने चक्का जाम कर दिया है, रिसीट भी देकर गए। सर ऑन द वे दुर्ग में मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टैक्सी खराब हो गई है,
प्लीज सर थोड़ी मदद कर दीजिए। चलो आ जाओ बैठो। थैंक यू सर। ये कहाँ बैठेगा? तेरे सर पे। चल पीछे जा। थैंक यू सर। वेलकम। आई एम डॉक्टर अभी राम। मैं वाईके। स्नेहा। आई एम प्रीति। हेलो हाय। आई एम पीजी। हे हाय। अरे भाई डॉक्टर जो हॉस्पिटल में रहते वही ना? हाँ वही। सर मुझे गोरा होने के लिए कोई टैबलेट देंगे क्या? ए तुझे गोरा होने के लिए टैबलेट्स की नहीं पेंट की जरूरत है। भाई बुरा मत मानना, मेरे दोस्तों को मजाक करने की आदत है। नो प्रॉब्लम सर। मुझे इस वक्त दुर्गी में होना चाहिए था, कल सुबह मेरी शादी है। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। बाय द वे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? विजयवाड़ा। हमारी भी शादी हो जाए ऐसी मन्नत मांगी थी कनका देवी से। लव मैरिज है? हाँ सर। ओहो सक्सेसफुल हाँ? जी सर। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। ए डैडी का फोन। ए कट करो कट करो। देखा तूने, मैं फोन कर रहा हूँ और वो लगातार फोन काटे जा रही है। कितनी चर्बी आ गई उसमें? चर्बी नहीं सर, वो क्या है कि आपसे डर लगता है। अरे मेरी बेटी कहाँ है पता नहीं, कुछ खाया भी होगा या नहीं पता नहीं, किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर शादी कर ऐसा कहा तो मेरी बात सुनी नहीं। यहाँ से रिश्ता आया वहाँ से रिश्ता आया, कितने अच्छे लोग मिले थे हम लोगों को, लेकिन क्या हुआ सब पे निगरानी रखनी थी, सब पे निगरानी रखनी थी, ऐसे कह दिया। हो गई निगरानी, अब जो करना है करो। सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, कुछ खा लीजिए। ए तेरा पति बिना खाए मरेगा नहीं। मेरी पोती कहाँ है ये पता लगा? अच्छा एक बात सुन। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। अगर मैंने मम्मी को मार दिया तो कोई प्रॉब्लम होगी? मम्मी को मार देंगे सर। यहाँ बस दो मिनट गाड़ी रोकिए ना प्लीज। कार में बैठने से पहले नहीं जानता था, लेकिन बैठने के बाद सबको अच्छे से जानता हूँ। दरअसल मेरे पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, तो अगर आपका विजयवाड़ा जाना इतना अर्जेंट ना हो तो कल तक आप लोग रुक कर मेरी शादी अटेंड कर सकते हैं। आ जाइए सर। चाहिए तो आपके घर के पास आपको ड्रॉप कर देंगे। नो नो सीरियस नोट पर आपको इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज सर चलिए ना। ओके थैंक यू। बुरी नजर बाजू वाले की नजर थू थू थू। ये राम है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये मेरे मॉम डैड। नमस्ते। और ये मेरे सास और ससुर जी। नमस्ते। नमस्ते। डैड ये मेरे दोस्त। हाँ। इन्होंने ही मुझे कार में यहाँ तक छोड़ा है। अच्छा अच्छा। अभी हाँ? तुम और तुम्हारे दोस्तों को उस कमरे में ले जाओ ना, कल सुबह शादी है तो जाकर सब रेस्ट कर लेंगे। जी बिल्कुल। कृष्णा जी भैया जाकर इन लोगों को रूम बताओ। जाइए आइए। जजमान लड़की को बुलाइए। देवी दुषताम I love you. भाई दरवाजा खोल भाई।
लड़की मिल गई दरवाजा खोलिए भाई लड़की मिल गई भाई दरवाजा खोलिए बेटा ये कौन बेटा उठो बेटा बेटा उठो पापा क्या कर रहे हो देवी मेरी है इसके गले में मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा और कोई बीच में नहीं आएगा रुको रुक जा बेटे रुक जाओ मैंने कहा रुक जाओ कितनी बार कहा मुझसे पंगा मत लिया कर मैं से इसका इंतजार कर रहा था अब मिस नहीं होनी चाहिए पुलिस को फोन करना चाहिए अंकल इस इलाके में सब उसी की बात सुनेंगे बेटा यहाँ तक कि पुलिस भी उसके डैडी बहुत पावरफुल है इसलिए वो चल रहा है वो जिस लड़की पर नजर डालता है उसकी शादी रुक जाती है एजी उन लोगों की हालत कैसी है एक बार फोन करके पूछिए ना उन लोगों को कुछ नहीं होगा आंटी हमारा दोस्त उनके साथ है इस बार वो लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपने गांव के आसपास एक गाड़ी आ रही है उसमें एक दुल्हन के अलावा एक दूल्हा भी है उन दोनों को ढूंढो और मार दो राम तुम जानते भी हो हम कहाँ हैं? ये लंकापति का गांव है इस एरिया में लंकापति भगवान है इस एरिया में तो वो किसी को भी कभी भी मार सकता है तुम जानते हो लेकिन इस गांव में तो कोई दिख ही नहीं रहा है कहां चले गए सब लोग Thank you.
भाई, वो लोग मिल गए भाई। ए, उन्हें छोड़ना मत, मैं आ रहा हूँ। राम, हम तो फंस गए। लंकापति से बचना इम्पॉसिबल होगा। लंकापति ही क्या, चाहे कोई भी बीच में आ जाए, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। उसके गले में मैं ही मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तू क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है? आंखों के सामने इतने लोग नजर नहीं आ रहे। मेरी आंखों के सामने गोल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। एक काम कर, गाड़ी को संभाल, मैं उन लोगों को देखता हूं। सोचना कि तू मुझसे भागकर यहाँ से निकल जाएगा। इस गांव की 100 पंचायत और 5,00,000 के वोट सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, समझ गया? लंकापति के। श्रावणी, दिस इज राम। कहना भूल गया था, ये मुझे सही टाइम पर मिल गया था, वरना मैं गांव नहीं पहुंच पाता। थैंक्स तो बोलो। राम, यू आर मैन ऑफ द डे। हम लोगों की लाइफ का इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो। व्हाट डू यू थिंक श्रावणी? पहले कार रुकवाओ। हे श्रावणी, रुको तो। क्या हुआ, बताओ तो सही श्रावणी। कुछ नहीं। तो फिर कार से क्यों उतर कर यहाँ आ गई? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। समझ गया श्रावणी, जो मंडप में हो उसके लिए तुम घबरा रही हो ना। जो होना था वो हो गया, भूल जाओ उसे। अगर राम नहीं होता तो आज हालात कुछ और ही होते। कम से कम उसे जाकर थैंक्स तो बोलना जरूरी है ना। शादी होने के बाद उसे थैंक्स बोल दूंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं क्यों तुम ऐसे उसके गुण गा रहे हो। ठीक है, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, राम हमारे लिए वेट कर रहा है। चलो प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो। अभी घर में फोन करके कार मंगवा कर उसमें चले जाते हैं। हेलो राम, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। श्रावणी के डैडी अभी उससे बात करना चाहते हैं, उसे एक बार फोन दो ना। ओके। एक्सक्यूज मी, आपके डैड का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। ये लो बात करो। हेलो पापा, मैं सेफ हूँ, आप सब लोग ठीक है ना? हम सब लोग ठीक है श्रावणी। तू रो मत बेटी, कोई टेंशन मत ले, हिम्मत से काम ले, डरने की जरूरत नहीं है। हमें बचाने के लिए उसे भगवान ने ही भेजा है। एक बार उस लड़के को फोन दे। फोन उसको दो। आज तुम्हारी वजह से मंडप में बुरा वक्त गुजर गया, लेकिन आगे क्या करना है मुझे नहीं पता बेटा। क्या बात है सर,
कोई टेंशन है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, आज मेरी बेटी की शादी होनी ही चाहिए और उन्हें आज की आज यहाँ से अमेरिका रवाना हो जाना चाहिए। पर ये होगा कैसे? तो फिर नजदीक कोई मंदिर है तो बता दीजिए। इस गांव के किसी मंदिर में तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, लेकिन इस गांव से बाहर निकल के पुलिस का सपोर्ट ले सकते हो। आप चिंता मत कीजिए सर, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस। इन दोनों को इस गांव के बाहर ले जाना ये मेरा काम है। आप जैसा चाहते हैं, आपकी बेटी और दामाद दोनों बिल्कुल सुरक्षित कल सुबह यूएसए के लिए निकल जाएंगे। थैंक यू बेटा। हे श्रावणी, चलो। पुलिस स्टेशन आने बोला था, पता है मुझे कितना टेंशन हुआ था? हेवंस पाउंड बोलना चाहिए था ना? क्योंकि पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल बोलने पर ही तुम जल्दी आ जाते हो। अब चलो ना। वाह वाह वाह, क्या बात है। इतने बड़े सलून में क्यों लाई हो? हेयर कट करवाना है क्या तुम्हें? नहीं, तुम चलो तुम। हाँ समझ गया, फेशियल करवाना है ना? नो, चलो ना। अरे ओके 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 ओके, गॉट इट। बेली बटन रिंग लगवाने के लिए श्रावणी, सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी बोला ना। अच्छा बताओ मुझे क्यों लाई हूँ यहाँ पर? एक्चुअली तुम्हारा कान छिदवाने के लिए लाई हूँ, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। असल में मुझे इंजेक्शन के नाम से डर लगने लग जाता है और तुम हो कि मेरा कान छिदवा रही हो। नहीं 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 नहीं, अरे तुम रहो तो क्या दर्द कम होगा क्या? नहीं नहीं मैं नहीं, प्लीज 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 श्रावणी, नहीं नहीं प्लीज, ये मत बोलो ना। देखो हो भी गया। हो भी गया, लेकिन मुझे तो कुछ लगा भी नहीं। देखो अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा श्रावणी, ऐसे लिप पे भी रिंग लगवा सकते हैं क्या? वो क्यों? क्योंकि जैसा यहाँ मिला वैसा यहाँ भी मिलेगा। बैग। थैंक यू। बैग जल्दी मिल गया, अच्छा हुआ, वरना इसे ढूंढते ढूंढते हम दोनों की जिंदगी गुजर जाती। असल में इस बैग में है क्या? ये देखो, ये है। मेरे बचपन में मेरी दादी ने मुझे दिया था, तब से ये बाबा की मूर्ति हमेशा मेरे साथ ही रहती है। बाबा ने मुझे अच्छी लाइफ दी, इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स दिए और जिंदगी में इतनी सारी खुशियां दी, और अब तुम्हें दिया। ये लो तुम्हारी फाइल। थैंक यू। हाँ तुम्हें नहीं दूंगी, तुम फिर से इसे खो दोगे। पार्टी कब मिलेगी? पार्टी तो पार्टी तुम्हें देनी चाहिए ना, दोगी ना? बोलो। हाथ हटाओ तब बताऊंगी। ओहो, हाथ हटाओ कहा तो तुमने तो सच में हाथ हटा दिया। अच्छा मुझ में कोई आहट हुई जब से तू है मिली, मुझको तेरी चाहत हुई, दिल में कलियां खिली, पागल मेरी धड़कन हुई, तू जब से छा गई तन मन में एक हलचल हुई, तू जो दिल छू गई, तुम जादू कोई हो या मेरा अंबर है नीचे ऊपर मैं सबसे, लव हुआ तुमसे तुमसे।
तो कहा था किसी से मिलवाओगी? उसी को फोन ट्राई कर रही हूँ पापा, वो फोन नहीं उठा रहा है, शायद ड्राइविंग कर रहा होगा, वो आ जाएगा पापा। ओके, हेमा, एग्जाम तो अच्छे से लिखा ना? बहुत अच्छे से लिखा अंकल। अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छा जॉब मिल जाए, तुम्हें सेटल जो होना है। बेटी हा? मुझे देरी हो रही है, कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगा तब मिलूंगा उससे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके, मैं आती हूँ। ओके, चलता हूँ बेटा। ओके अंकल। सुनिए जरा, गाड़ी साइड में रोकिए। पापा, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था वो यहीं है, मैं उससे मिलकर आती हूँ। हाँ, पर जल्दी आना बेटा। राम, हेलो। हाय राम, यू आइसक्रीम? नो राम, मुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, बीमार पड़ जाती हूँ। एक बार खा के तो देख लो, अच्छा लगेगा, लो ना। ये क्या, मेरी आइसक्रीम कुछ अजीब सी लग रही है। अच्छा, तुम्हारी आइसक्रीम बताओ। अच्छी है, एक बार मेरी टेस्ट करो ना। हे नॉटी, यू डिडंट चेंज। बेबी, आई लव यू। मी टू राम। मैं नहीं थी तो सोचा तुम मुझे भूल गए होगे राम। आई लव यू।
पापा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारा वो फ्रेंड नहीं आया? क्या बात है? फ्रेंड सोचा था मैंने, लेकिन वो फ्रेंड है नहीं। चलिए। श्रावणी, श्रावणी, आई लव यू, आई लव यू। ए श्रावणी, जर्नी अच्छी हुई? बहुत अच्छी थी माँ। पापा, आप मुझे एक नया सिम कार्ड दिला देंगे? हाँ हाँ, कल सुबह ला दूंगा। कैसे हो भैया? अच्छा हूँ। क्या बात कर रहे हो? कैसे हैं अंकल? बहुत अच्छा हूँ। हम लोग तो ठीक है बेटा, लेकिन एक बात बता, पढ़ते पढ़ते खाना खाना तू भूल जाती है क्या? ऐसी बात नहीं आंटी। हम लोग क्यों आए पता है? क्यों आए हैं? अमेरिका में मेरा बेटा अभी है ना। हाँ। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम भी वहाँ जाकर जॉब कर सकती हो, क्या कहती हो? कंफ्यूज मत करो उसे। कुछ नहीं बेटी, अगर तुझे अभी अच्छा लगता है तो उसे शादी की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई तकलीफ हो तो बता देना। मुझे क्यों तकलीफ होगी अंकल, और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जो मम्मी पापा की इच्छा होगी मैं वही करूँगी। हेलो, ये क्या स्टेटस है श्रावणी? जोक है कि सीरियस है? सीरियस ही है। तो फिर राम? वो चीटर है। क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने वो उसके साथ आइसक्रीम खा रहा था। मेरी आंखों के सामने उस लड़की से आई लव यू कहा। आई लव यू। मी टू राम। मेरी आंखों के सामने उसे किस किया। इससे और ज्यादा क्या क्लैरिटी चाहिए? आजकल ये सब कॉमन है श्रावणी। तुम लोगों के लिए कॉमन होगा, लेकिन मेरे लिए ये कॉमन नहीं है, और मैं उस लड़के से रिश्ता नहीं रखना चाहती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया है, इसलिए मैंने अपना स्टेटस चेंज कर दिया। तुझे जिसने धोखा दिया तू उसी के साथ घूम रहा है, उसे बचा रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे बुरा लग रहा होगा पर मैं तो बोलूंगा, हम यहाँ आए क्यों हैं और तू कर क्या रहा है? हम लोग क्यों रिस्क उठाए यार, इन्हें छोड़ो और चलते हैं। अरे वो गुंडा उस लड़की के पीछे पड़ा है, ऐसे छोड़कर जा सकते हैं क्या? हाँ तो इतने लोग हैं, वो लोग उसे बचा लेंगे ना, तू इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है इसमें? यही सवाल, जब स्नेहा को मदद की तब तूने क्यों नहीं पूछा? जब वो लोग सही है तो फिर ये क्यों गलत है? देख जैसा तू सोच रहा है, मैं श्रावणी की मदद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूसरे स्नेहा की मदद कर रहा हूँ। मेरी नजर में तो श्रावणी विजयवाड़ा में ही मर गई। गोविंदा। बोल भाई, आपने जिस गाड़ी के बारे में बताया था ना, वो हमारे ढाबे के बाहर खड़ी है। हे पुरुष,
जाता कहाँ है तू, आई चंद्र परी रे बाबू। वो कार अभी भी गई है भाई, उसे रोकना चाहिए था ना, वो लोग फिर से हाथ से निकल गए। चले चल राम, गाड़ी थोड़ा साइड में लेना। क्यों यार? अर्जेंट है यार। अबे क्या यार, तू भी ना, ऐसी कौन सी अर्जेंसी है? बहुत देर से रोका हूँ यार, अब बर्दाश्त नहीं होता। पीछे लंकापति पड़ा है, अब बस निकलने वाला है यार। अच्छा एक काम कर, सीट के नीचे बोतल रखी है, उसमें कर दे। हाँ एक्सक्यूज मी, आंखें बंद कर लो जरा। इफ यू डोंट माइंड सिस्टर, आईज क्लोज। आराम मिला। समोसा, एमएम समोसा, सेक्सी सेक्सी समोसा। बस आ गई। ए समोसा वाले, जरा यहाँ आना। तुम्हारा समोसा हॉट है क्या? आपसे भी ज्यादा हॉट है मेरा समोसा। चाहो तो जरा टच करके देख लो। अच्छा, जला क्या? 15 रुपए के दे दो ना। 15 रुपीज, ओके दो ना। आप डांसर हो क्या? वो क्या क्वार्टर है क्या, वो भी दे दो ना। इट्स नॉट फॉर सेल, इट्स फॉर चेंज। ओ सॉरी, हां चेंज देना, अभी देता हूं। जल्दी दो ना। ओ सॉरी, मेरे 5 रुपए। अरे अरे हाय, बस तो चली गई, अब क्या करें? देना तो पड़ेगा ना।
हेलो हेलो लिफ्ट प्लीज। अरे ब्रेक ही नहीं लगा रहा है। कार के ब्रेक फेल हो गया लगता है। देखता हूँ इसके ब्रेक है या नहीं। रुको। हाँ देखा इसके ब्रेक है। हेलो क्या? ए तू उतर और पीछे जाके बैठ। मैं आगे बैठूंगा। कौन हो तुम? शक्ति, समोसा बेचता हूँ मैं। अरे समोसा बेचने के लिए बस नहीं है। मुझे पता ये बस नहीं है, बस आगे जा रही है, बस को चेंज करना है इसलिए तुम्हारे साथ बैठा हूँ। बस में समोसा बेचने के लिए हम तुम्हें कार में लिफ्ट देंगे? अरे नहीं, उस बस में खूबसूरत लड़की ने मुझसे समोसा खरीदा था, उसको 5 रुपए वापस देने से पहले बस चली गई। अभी हमें जल्दी से जाके उसको 5 रुपए देने। अरे जल्दी चला, बस नहीं दिख रही है मुझे। इसमें कितने गियर है भाई? अरे तो टॉप गियर में डालना गाड़ी, चला। मतलब तू 5 रुपए देने के लिए बस को चेस कर रहा है? तू पागल समोसा वाला है रे? तो कुछ भी सोच, आज तो बस का पीछा करके वो 5 रुपए दूंगा ही मैं। तुम लोगों ने मुझे आज हेल्प की, वापस मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा। आई एम हेल्पिंग पर्सन, दिस इज माई ओरिजिनल कैरेक्टर, यू नो। वैसे तू सबको मदद करता रहेगा तो समोसा कब बेचेगा? समोसे का क्या है भाई, वो तो कभी भी बेच सकते हैं। ये देखो, ये समोसा मेरे पास 1 महीने से है और 1 महीने बाद भी मैं इसे बेचता रहूंगा। वो मेरी मर्जी है ना। तू बात करता है ना तो मरे हुए चूहे जैसी स्मेल आती है। ए, वो मेरी स्मेल नहीं है, तो फिर समोसे की स्मेल है। मेरे समोसे की बदबू बर्दाश्त नहीं हुई तो उतार दिया मुझे, नो प्रॉब्लम। अरे मेरे फ्रेंड की कार से कुछ गिर गया है यार। वैसे भी मुझे तुम लोगों की मदद करनी, वही तो कैरेक्टर है मेरा। हाँ ये ऊपर वाले, ये तो पूरी बोतल है। रुपए पैसे छोड़ो, ये किसी सोने से कम नहीं है। दारू की बोतल मतलब खरा सोना। अगर इस बोतल को उन तक वापस नहीं पहुंचाया तो मेरा कैरेक्टर वेस्ट। दोस्त मैं बोतल लौटाने आ रहा हूँ। क्यों बे, तू नहीं चाहता कि वो लोग पकड़े जाए? स्लो क्यों चला रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ाना। स्पीड नहीं भाई, सेफ्टी जरूरी है। आवे लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, ए लिफ्ट। किधर से गया होगा वो भाई? वहाँ जो आदमी दिखा उसी से पूछते हैं। मैंने हाथ उसे यहाँ दिखा, गाड़ी वहाँ जाके रुकता है। मैं कोई जोकर हूँ क्या? जॉनी वॉकर, समोसा शक्ति हूँ मैं। यहाँ रुकवा तो यहीं चलूँगा। आप चलो। कहाँ चलना है बे? यहाँ से किसी कार को जाते हुए देखा है तूने? हाँ देखी। किधर गई? नहीं बताऊंगा। नहीं बताया तो भाई जान से मार देंगे। ए, इसे कुछ नहीं पता। ए, चल उतर। ए, तो किससे बात कर रहा है पता है तुझे? मैप से, मोबाइल गूगल मैप से, मतलब मुझसे। ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है ये जानकर जानना बहुत जरूरी है। इस एरिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ मैं। ओके, मैप से ज्यादा एक्यूरेट मैं बताऊंगा। लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट। उस गाड़ी को पकड़ने के लिए तुम्हारी गाड़ी में चढ़ना पड़ा। अरे भाई जरा पकड़ना। हाथ में फुल बोतल है तो तू क्वार्टर क्यों पी रहा है? ये मेरी है, ये किसी और की है। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है, एक पैक दो ना भाई। गलत बात। ये बदबू कैसी, ये किसका बैग है? समोसे है, एम ए समोसे, सेक्सी सेक्सी समोसे। तू रोड बताना, चल बोल, समोसे बाद में खाएंगे। समोसा शक्ति से पंगा मत लो, पंचर हो गई है गाड़ी, चाहे तो उतर के देख लो। चले। दूसरा टायर है क्या? है ना भाई, तो चेंज करना। नो प्रॉब्लम, मुझे इस रूट का शॉर्टकट पता है, मैं उनसे पहले तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। अरे पहले टायर तो चेंज करो। चलो कोई तो काम पे लगा। ये बोतल पकड़, नहीं नहीं ये मैं पकड़ूंगा, तेरा भरोसा नहीं है। ये जरा बोतल पकड़, ये पीना नहीं है, ठीक है? समोसा भी मत खाना, ये मेरे हैं। मैं जरा ये करके आता हूँ, तू उनको बोल पंचर जल्दी लगाए। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, पंचर भी जल्दी नहीं लगाते। Ayo,
जल्दी कर। समोसा खाया क्या तूने? दारू पी क्या तूने? तो उल्टी क्यों आ रही है? तो उल्टी क्यों कर रहा है? ए बांसुरी ना, शेर के सामने बजाना, मेरे सामने नहीं। तू ऐसे नहीं बताएगा, मुझे पता है तू कैसे बताएगा। देखा, समोसा शक्ति से पंगा लिया। ए, तू कहाँ था भाई? उसके पास दारू था, वही पीने के लिए गया था, लेकिन वो दारू नहीं था भाई। चले अंदर बैठ। ठीक है भाई। ए, ए, ए! मुझे लेके नहीं गए ये लोग। समोसे की पावर का पता नहीं है इन्हें। चलो कोई बात नहीं, शक्ति कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा। बैठ के खाना। नहीं ठीक है, आप खाइए। हे तंगड़ी देना। लीजिए ना भाजी, लीजिए। हाँ ये हुई ना बात। भाई भाई खाना नहीं खाएंगे क्या? दो दिन से खा नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ए जी, आपने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लीजिए। सुनिए ना, खा लीजिए। नमस्ते भाई साहब। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यादव जी, आप हमारे ऊपर बहुत गुस्से में है ना, आप हमें मार डालना चाहते हैं ना, तो अपने आदमियों से कहकर हमें मरवा डालिए। तुम दोनों यहाँ आकर रिवर्स ड्रामा खेल रहे हो। तुमने तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी को उठाने के लिए कहा था ना? उसे उठाने का कारण हम लोग नहीं है यादव जी, आपकी जबरदस्ती और आपके डर से मैंने उसे कंट्रोल करने का सोचा, लेकिन फिर भी वो उसके साथ भाग गई। सब तुम्हारी वजह से, मेरी बेटी ने मेरी परवाह नहीं की। हम दोनों को उससे अलग करके तुम लोगों ने उसकी शादी करवा दी। अब तो खुश हो ना? तो फिर मेरे घर क्यों आए हो अब? आपको खाना खिलाने के लिए आया हूँ। चालबाज, दो दिन से आप भूखे हैं, इसीलिए सोचा आपको खाना खिला दूं। मुझे कुछ नहीं खाना। जिस हाथ से खाना खिलाओगे उसी हाथ से मेरी गर्दन भी काट दोगे। ऐसे लोग तुम लोग, चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये हम लोग लेकर नहीं आए हैं, आपकी बेटी ने आपके लिए भेजा है। जब से मैं घर से भागी हूँ मेरे डैडी कितने दुखी होंगे, खाना पीना भी छोड़ दिया होगा, यही हर समय कहते रहती है वो। आप उसके बारे में जैसा सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं सोच रही है। अभी तक उन दोनों ने शादी नहीं की है। आपके हाँ कहने के बाद ही वो लोग शादी करेंगे कह रहे हैं। मेरे डैडी ने दो दिनों से खाना नहीं खाया होगा आंटी, मैंने भेजा है ऐसे कहकर दे दीजिएगा। ये लिखकर उसने मैसेज भेजा है, आप पढ़ लीजिए भाई साहब। स्नेहा, तुम्हारे पापा से बात करो। पापा। हेलो, आप ठीक है ना पापा? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। खाना खाया आपने? हाँ मैं खा रहा हूँ अभी। बेटी तू वापस घर आ जाना और फिर दोबारा कभी मत भागना, तेरी शादी मैं ही करवाऊंगा। थैंक यू पापा। जल्दी आ जा। आ रही हूँ आपके पास पापा। थैंक यू। बेटे के भूख की परवाह नहीं है माँ, और खुद लेग पीस उड़ा रही है। मेरी बेटी ने भी मेरे लिए बिरयानी भेजी है, देखा कितना प्यार करती है। लेग पीस भेजा है तो डाल दे इसमें। डालना। अरे बाप रे, और थोड़ा धक्का मारो गांव में आ गए। क्या हुआ बेटा, गाड़ी को धक्का क्यों मार रहे हो? कुछ पता नहीं है सर, कहाँ सडनली रुक गई, पता चले इस गांव में मैकेनिक है इसलिए आ गया। बताइए ना सर कहाँ रहता है मैकेनिक? क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारे गांव में आकर हमारी इज्जत उतार दी। अरे क्या हुआ सर? तुम कहाँ हो पता है? नहीं पता सर। कारपुरम में। किससे बात कर रहे हो पता है? कारपुरम के लक्ष्मी नारायण नायडू से। तुम लोग हमारे अतिथि हो, कार को धक्का मारने की जरूरत नहीं है। ए, कार को धक्का मार के लाओ और एक आदमी मैकेनिक को बुला कर लाओ। अरे कोई बात नहीं सर, चलेगा बेटा, आ जाओ। गाँव में कोई भी आए तो हमारा अतिथि होता है बेटा, हम उसका स्वागत करते हैं, उसे कोई काम नहीं करने देते हैं। सुनो, बाहर से कुछ लोग अपने गांव में आए हैं, कौन है ये तो पता नहीं है, लेकिन हम उन्हें लेकर के आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। ठीक है, पहुंच रहे हैं हम।
सुनो। हाँ। मैंने बताया था ना कुछ लोग आए हैं। हाँ? उनको साथ में लेकर आया हूँ। सुनो यही है हमारी पत्नी और ये मेरी बेटी। नमस्ते। ये मेरी बहू। नमस्ते। हाँ इधर आओ। ये मेरा बेटा और ये मेरा दामाद। लक्ष्मी दुर्गा यहाँ आओ। लो लो सर, नहीं चाहिए। ले लो ना बेटा, तुम भी लो। सर इस गांव में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, शहर में तो कोई पानी मांगने से भी नहीं देता, यहाँ तो आप घर में जगह दे रहे हो। जाते समय आदमी क्या लेकर जाएगा, अपने लिए तो हर आदमी करता है, देने की खुशी कुछ और ही होती है बेटा। सुनो बच्ची को अंदर लेकर जी ठीक है, चलो बेटी। जब तक खाना तैयार होता है हम लोग टीवी देखेंगे, तभी मैकेनिक भी आ जाएगा। ए लेकर जाओ ना। हाँ, आइए। ओके सर, थैंक यू सर, करेक्ट टाइम पे आए हैं सर, आज टीवी मेरा शॉर्ट फिल्म टेलीकास्ट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, टाइटल है प्यार तो पागल है। शूटिंग के लिए पैसा नहीं था, कैमरामैन हायर नहीं कर सकता था, तो मैंने खुद ही शूट किया, इसलिए थोड़ी गलती भी हो सकती है, इसलिए माफी चाहते हैं। बट हमें इनकरेज करिए, आपके लाइक्स कमेंट्स शेयर्स की मुझे बहुत जरूरत है। Hey, it's Ram. He looks fabulous on the screen. शॉर्ट फिल्म के लिए हीरो नहीं मिला तो राम को रिक्वेस्ट किया तो उसने ही एक्ट किया। यो, हाय, ये क्या आप ऐसे क्यों देख रही हो? उनका बहुत अच्छा है ना? मुझे पहचाना नहीं? राम, यू? थैंक्स। आंटी मैं भी आती हूँ। आइसक्रीम? नो राम। अरे एक बार खाकर तो देख लो, अच्छा लगेगा, लो ना। बहुत अच्छा, जरा तुम टेस्ट करके देखो। आई लव यू। मी टू राम। इस किस सीन के लिए कितना रिक्वेस्ट किया, बाप रे, फिर भी ये नहीं माना। फैंटास्टिक सच में। थैंक यू। मैंने तुम्हें गलत समझा राम, मेरी आंखें, मेरे मन ने मुझे धोखा दिया राम, मैं पागल हूँ राम, सॉरी राम, मैंने तुम्हें गलत समझा। कहाँ गई थी बेटी? सब लोग खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ ना। मुझे भूख नहीं है। भूख लग जाएगी, तुम चलो तो बेटा। अंकल सुनिए तो। अरे पीजी, कार रेडी हो चुकी है, हम लोग निकल सकते हैं। सुनो उसे भी खाना खिलाओ। हाँ, अभी देते। अंकल अब निकलना है हमें। ऐसे नहीं बेटा, खाना खा करके निकलना। बैठो ना बेटा। बैठो बेटा, शर्माओ मत, बैठो ना। बहुत शर्मीला लड़का है। खाओ बेटा। क्या हुआ बेटा, कुछ और चाहिए क्या? अरे अंकल मटन बहुत अच्छा बना है। अच्छा ऐसी बात है, इन्हें और मटन दो, दो जल्दी। खाओ खाओ, जितना खाना है आराम से खाओ।
लगता है थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ अंकल? खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। चल पीजी, चलते हैं। सुनो, बोलो। जिसे तू ढूंढ रहा है वो मेरे पास ही है। जब तक उनका खाना खत्म होगा तुम बिना देरी किए यहाँ पे पहुंच जाना और उनका सर लेकर जाना। ए, पकड़ो उनको। बेटा वो लोग अभी यहां से निकले, जल्दी जाओ। रिवर्स ले। पद पद भीकर पाशु पदास्त्र पराक्रम विक्रम पार्थुडि वै शत शत शात्रव कंठ विलुंठन युद्ध निबद्ध प्रसिद्धुडवै पद पद प्रेम सुधामृत साधन कृत्य मुलो न कृतार्थुडिवै मद गज सन्निब दुर्जन दारुण मारण कांडकु कृत्थुडिवै से पंगा लेता है, तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? आ!
इसे गाड़ी में बिठा। छोड़ दो मुझे प्लीज। नीचे उतर आराम से, आराम से। थैंक गॉड पल्स ठीक है, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। चलो जल्दी श्रावणी, कम ऑन। आराम से, चलो चलो जल्दी। ए पीजी, जा जाके डीजल कैन लेके आ जल्दी। अभी वो लंकापति अब तक जिंदा है। अच्छा चल। ए राम, राम, ए सब लोग आओ। लंकापति, लंकापति, अभी इसे भी जल्दी से हॉस्पिटल ले चलना होगा। इसे इंटरनल इंजरी है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बच पाएगा। और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, हम क्यों इसे बचा रहे हैं? अभी नहीं, नहीं। राम, ऐसी हालत में इसे यहाँ छोड़कर जाना अच्छा नहीं रहेगा। प्लीज अभी हेल्प करो, हम इसकी वजह से प्रॉब्लम में फंसे। इसको बचाने की बात कर रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं इसे अब भी मार डालूंगा, मैं इसका सर फोड़ दूंगा। मार डालेगा क्या उसे? एक डॉक्टर होकर एक जख्मी को बचाने की बजाय तू उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तेरे अंदर इंसानियत ही नहीं है। जो इंसान हमें मारने आया था उसके ऊपर मानवता दिखाना जरूरी नहीं है, इससे तो मरना ही होगा। तू पागल हो चुका है। ए, चल इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। लंकापति आके खोल भाई। छे, सिग्नल भी नहीं आ रहा है, अपने को कोई हॉस्पिटल चाहिए। पीछे अपने फोन से जरा ट्राई कर। लंकापति, छे, मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। भाई उठो भाई। हे, सिग्नल आ गया। हेलो। हाँ बोल राम। हे, कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हे, आजाद नगर में कोई हॉस्पिटल है? गिव मी सम टाइम, आई विल चेक एंड आई विल कॉल यू बैक। सुन, जिस एरिया में तू है ना, वहाँ मेरे फ्रेंड ने एक मेडिकल कैंप लगाया है, तू सीधा वहाँ चला जा, तुझे वहाँ हेल्प मिल जाएगी। जी, मुझे इस लड़की से शादी करनी है।
तुम कुछ गलत कर रहे हो बेटा। कुछ गलत नहीं हो रहा है। कहां गए होंगे वो? कौन? श्रावणी और अभी? क्या पता, हॉस्पिटल मिला होगा उन्हें? उसका पति तो डॉक्टर है ना? हाँ यार, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंकापति श्रावणी को लेकर जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि श्रावणी मुझसे मदद मांग रही है, और मैं कुछ कर नहीं पाया। छे, कल सुबह श्रावणी अमेरिका चली जाएगी। पापा उसके बहुत टेंशन में थे यार, लेकिन अब वो बहुत खुश होंगे। उसने ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, फिर तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? तूने देखा नहीं, जब वो मुझे मार रहा था तो वो भी रो रही थी। उसने राम कह के बुलाया भी। तू उस लड़की से अभी भी प्यार करता है ना? ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम त्रिकृष्णाय नमः, ओम प्रकृत्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम विद्यायै नमः। अभी ये सब क्या है? अभी ये इंजेक्शन क्यों? क्या कर रहे हो तुम? तुमसे शादी? छी, तुम इंसान हो? जिस लड़की को होश नहीं है उसके गले में मंगलसूत्र बांध रहे हो? तुम्हें क्या, तुम्हारी डेड बॉडी को भी बांधूंगा। राम कहाँ है? क्यों चाहिए? ओह, राम चाहिए मतलब मैं नहीं चाहिए? थैंक गॉड, शादी होने से पहले तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। तू भी बिल्कुल ऐसी ही निकलेगी, मैं सब जानता था। शादी तो तुझसे ही करूंगा और ये मैंने तय कर लिया है। तुमने जब शादी के लिए हाँ कहा था तो पता है मैं कितना खुश रहा करता था? एक तरफ वो लंकापति तेरे पीछे पड़ा हुआ है, और ऊपर से वो लड़का इतने सारे आदमी होने के बावजूद हीरो की तरह तेरे लिए भिड़ गया। मैं नहीं आऊंगी, छोड़ो मुझे। तेरे बारे में सब जान चुका हूं मैं, सारी डिटेल पता की है। राम के साथ तेरी लव स्टोरी और उसके बाद तेरा ब्रेकअप, और उसी की वजह से तू मुझसे शादी कर रही है। पीजी ने जो शॉर्ट फिल्म बनाई उसमें राम ने एक्टिंग की और उसके लिए तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और अब जब रियलाइज हो गया तो तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी तो कैसे चलेगा? मेरी बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी सिर्फ मेरे साथ होगी। सॉरी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत? मैं कैसी हूँ ये नहीं पूछोगे? तुम्हें पता था ना सारी गलती मेरी थी, तो फिर तुमने मुझे डांट कर समझाया क्यों नहीं? शादी के जोड़े में तुम मुझे मार कर तुम मेरी हो ऐसा सबके सामने बोल सकते थे ना? मेरे मम्मी पापा अगर मुझे यूएसए भेजना चाहते थे तो तुम बोल सकते थे ना कि श्रावणी मेरी है। श्रावणी मेरी क्या गलती है मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता। I'm sorry, Ram.
I'm really sorry. सारी गलती मेरी थी। उस दिन पार्क में तुम्हें दूसरी लड़की के साथ देखकर मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये सब देखकर मैं वहाँ से चली गई और शादी के लिए हाँ कह दिया। जैसे मैंने सिम कार्ड को चेंज किया, वैसे ही मैंने खुद को भी चेंज कर लिया राम। अगर उस दिन मैंने एक बार भी तुमसे बात की होती, तो बात आज यहाँ तक नहीं पहुँचती राम। I love you, Ram. I love you. I love you too. I love you, Shravani. Excuse me, Ram. मैं तुझसे एक बात बोलना भूल गया। प्यार तो पागल है। पार्ट टू बनाने की सोच रहा हूँ, उसमें भी तू ही हीरो है। शूटिंग कब से शुरू करें? अरे मेरे बाप, तेरी एक शॉर्ट फिल्म की वजह से हम लोगों की स्टोरी यहाँ तक आ गई है। तो जरा सोच, सेकंड पार्ट में क्या होगा? दिमाग से निकाल दे। मैं नहीं करूंगा तेरी फिल्म में काम। सॉरी, टाइटल चेंज। लग गई प्यार में पार्ट टू। प्लीज वेट।